सीवी लाइन के रामगंगा बिहार में कोरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय से लूट करने के मामले में पुलिस ने किशोर समेत चार आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से आईफोन समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने महंगे शौक पूरे करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने गुरुवार रात सिविल लाइन थाने में लूट कांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हेमगिरी कॉलोनी निवासी गगन सक्सेना इकोट कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय है। उसने लूट का केस दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि हड़तला निवासी एक व्यक्ति ने ऑनलाइन फोन बुक कराया था। बाद में उसने पता बदलकर डिलीवरी देने के लिए रामगंगा बिहार में पेट्रोल पंप के सामने वाली गली में टी पॉइंट के पास बुलाया था। वहां तीन बदमाशों ने बाइक से टक्कर मारकर गगन सक्सेना का बैग लूट लिया था, जिसमें करीब 70,000 रुपए की कीमत का आईफोन समेत एक अन्य मोबाइल व किताबें व अन्य सामान था। इस मामले में हड़तला रामलीला मैदान निवासी हर्ष भटनागर, हड़तला निवासी उसका साथी पंकज और नयागाम निवासी सादिक को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक किशोर आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हर्ष ने बाबू सैनी नाम से कैश ऑन डिलीवरी पर आईफोन बुक किया था। थाना प्रभारी नवल मारवा ने बताया कि गुरुवार को आरोपी जेल भेजे जाएंगे। ये कल एक सिविल लाइन थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय के साथ एक लूट की घटना हुई थी और थाना सिविल लाइन ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए 30 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया। इसमें तीन लोग शामिल थे। इसमें जो घटना करने का जो तरीका था, इसमें जो डिलीवरी बॉय था उसको ऑर्डर किया गया था फ्लिपकार्ट पे और डिलीवरी एड्रेस चेंज करके एक सुनसान जगह उसे बुलाया गया और फिर ये तीनों वहाँ पहुँचे और उसके लूट की घटना कारित करी गई। ये अपनी एक बाइक पे आए थे जो उसे गिरा दी, जिससे कि उसका डिसबैलेंस हो गया। उसके बाद ये उसके पास जो बैग था उसमें सामान सारा लेके वो लूट के यहाँ से चले गए। आज इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये पंकज, सादिक और हर्ष, ये तीनों थाना सिविल लाइन क्षेत्र हड़तला के रहने वाले हैं। 18 से 20 साल की उम्र है। इनके पास से दो मोबाइल, जिसमें से एक एप्पल का फ़ोन है, एक वीवो का फ़ोन है, शैम्पू, हेयर ऑयल और कंडीशनर, साथ में एक कुछ बुक्स बरामद हुई है और घटना में कारित स्प्लेंडर बाइक भी इनके बरामद की गई है। जो कुल बरामदगी की जो राशि होगी कुल लगभग 75,000 के अराउंड है और इनका पूर्व में तो अभी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। तब कितने लोग थे सर? अभी तक इसमें जो बात इन्वेस्टिगेशन में तीन लोगों का नाम आया है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है कि इसमें अन्य कोई इनके और साथी हैं। क्या इनकी प्रोफाइल क्या है, ये कुछ पढ़े हुए हैं या? इनमें से दो लोग ऐसे हैं मतलब शॉप्स पे काम कर रहे हैं और इन सब ने 10वीं 12वीं मतलब क्लास कर रखा है। इसके बारे में कुछ नहीं, इनके द्वारा जो बताया गया है कि इनके द्वारा ये पहली घटना इस तरह की पारित की गई। इनका अभी पूर्व आपराधिक इतिहास ऐसा कुछ मिला नहीं है।